वालेकुम। तो चलिए हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। देखो, आपने मेन्यू में आना होता है और ये ई कॉमर्स के अंदर आप थोड़ा सा इसको क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मैनेज प्रोडक्ट्स आएगा। अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, हमने एक प्रोडक्ट ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का नाम आएगा। अच्छा जी, ये लोड हो गया, ठीक है। तो करना क्या है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, कुछ इमेजेस है मेरे पास इस तरह की, मुझे इसको ऐड करना है। कहने करना क्या है कि भाई मैं जो हूँ इसको प्रोडक्ट के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। चलिए हम इसको इमेज सर्च करके देखते हैं। यहाँ से हम एक इमेज अपलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप से। ये प्रोडक्ट जो है हमें चाहिए, ये हमारे पास एक दराज पे भी आ रहा है और ई पॉकेट में आ रहा है और जगह जगह ये लोग मुख्तलिफ प्राइजेस में बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं स्टोर से खोल के देख लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस प्रोडक्ट का नाम के बारे में पता चल रहा है कि इसका ये नाम है। तो इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और मुझे इसके नाम का पता चल गया। तो हम आते हैं यहाँ पे, इसका नाम डाल लेते हैं, काफ़ी लंबा नाम है। तो चलिए, इसका नाम कॉपी हो गया है, इसकी प्राइस जो है हमें पता चल चुकी है, इसकी कैटेगरी बन रही है डेकोरेशन लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स न्यू अराइवल। इसकी कैटेगरी इन्होंने बनाई है डेकोरेशन लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ कैटेगरीज है और यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। ये गिफ्ट आइटम है तो हम इसको गिफ्ट में डाल लेते हैं फिलहाल। तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है, इसको हमने गिफ्ट आइटम में डाल दिया। चलिए, और ये बार बार खुल रहा है। अच्छा, इस आइटम की हमारे पास मज़ीद डिटेल्स तो नहीं है, इन्होंने कुछ डिटेल्स नहीं डाली, बस यही है कि तो हम एक काम कर लेते हैं, हम दूसरी जगह भी देख लेते हैं, हमें इसकी डिटेल्स चाहिए। देखिए, इन्होंने डिटेल्स डाली हुई है ये रही, हम ये डिटेल्स जो है कॉपी कर लेते हैं। यार, इस वेबसाइट से कॉपी नहीं हो रहा। चलिए, हाँ, ये इस पर राइट क्लिक भी नहीं हो रहा। वाह भाई वाह। तो हम इनके साथ ढेर शेयरी करेंगे, हम डेवलपर टूल के जरिए इनका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ये तो वैसे मतलब अगर आप देखेंगे तो ये कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ये कोई करता नहीं है, लेकिन क्या करें, उन्होंने मजबूर कर लिया। तो ये कंटेंट मुझे थोड़ा सा ये चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे सेव करना है इसको। तो वो HTML में आ गया मेरे पास, अभी यहाँ पे इसको कैसे ऐड करेंगे भाई, हम सोर्स कोड की शक्ल में डाल देते हैं और जो है इसको हटा देते हैं। ये हमारा कंटेंट आ चुका है सारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। असल में पता क्या होता है, यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट कंटेंट डालेंगे ना तो ये सेव नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ इस तरीके से, इसको मैं अगर सेव करूँगा ना तो ये मसला करेगा कि ये दूसरी वेबसाइट का कंटेंट आप कॉपी करते हैं तो ये आपको एरर दे सकता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है। तो ये हमारे पास सेव हो गया है। देखो, ये सेव नहीं हो रहा था, उसकी वजह क्या थी कि हमारे पास जो कंटेंट था ना ये, चलिए हम इसका टाइटल ला देते हैं, उठा लेते हैं। अक्सर दूसरे साइट से जब हम डेटा कॉपी करते हैं तो वो सेव नहीं होता, वो अक्सर दफ़ा एरर दे देता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये एरर दे रहा है। अगर मैं इसको ये रखता हूँ और मैं इसको भी सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। देखो,
देख रहे हैं आपके पास सक्सेसफुली सेव हो गया। वो कंटेंट जो हम कॉपी कर रहे थे यहाँ से, बेसिकली वो थोड़ा सा मसला करता है। अब इस तरह के जो कंटेंट होते हैं ना, उसको आप अगर कॉपी इस तरह करेंगे ना, कोड उठाएंगे और कोड डालेंगे वहाँ पे, तो ये एरर देगा। तो इस तरह का काम नहीं करना है, ये बताने का मकसद ये था। दराज से इस तरह देख लेते हैं कि दराज पे भी ये पड़ा हुआ है, काफ़ी जगह पे पड़ा हुआ है। दराज से उठा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कंटेंट, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत जगह पे बेचा जा रहा है, इंडिया मार्ट में भी बेचा जा रहा है। अब मेरे पास इस प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं है, इस वजह से मैं फिर ये ऐसी चीज़ें को भी करनी पड़ रही है। अच्छा, ये जो कंटेंट है ना, बेसिकली इसको हम कॉपी कर रहे हैं, इसको ना यहाँ पेस्ट कर दिया चाहिए ये ऊपर लाइन में, ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज उड़ जाए। अब देखो ये कंटेंट सीधे साधा मेरे पास आ चुका है। अच्छा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं ये सेव हो रहा है, क्योंकि ये कंटेंट हमें मैन्युअली टाइप करना होता है, जिसकी वजह से जो है ना, अगर आप कहीं से उठा के डालेंगे या डायरेक्ट वेबसाइट से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो उसकी ना प्रॉपर्टीज आ जाती है यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर। तो ये एडिटर जो है ये इस कंपनी का है, चूँकि एरर ये एरर देता है और चीज़ें सेव नहीं होती। यहाँ से जो है हम तस्वीरें अपलोड करते हैं प्रोडक्ट्स की, ये एरर दे रहा है, तो ये कोई मसला नहीं है, दोबारा से हम इसको ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी इसमें एरर्स आते हैं। तो ये मेरे जनाबे वाला, तो ये हमारे पास काफ़ी जगह प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर ये खाली खाली इमेजेस पड़े हुए हैं सारे के सारे। तो ये सारे के सारे इमेजेस जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट। यार सेलेक्ट ऑल का सीन तो नहीं है, कंट्रोल ए मार लेते हैं, नहीं काम कर रहा। चलिए हम एक इस जगह पे ना हम एक फोल्डर बना लेते हैं नया, क्रिएट फोल्डर, इसमें हम डाल लेते हैं प्रोडक्ट्स। मीडिया इमेजेस लिख लेते हैं ताकि याद रहे। हमने एक नया प्रोडक्ट फोल्डर क्रिएट किया है, ये रहा। इसके अंदर ना हम यहाँ पे अपना डेटा रखेंगे। ये हमारी तस्वीर एक ये रही, और एक तस्वीर जो है ये रही, और एक ये रही। तो ये तीन तस्वीरें जो है हम अपलोड करेंगे। ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है। तो चलिए ये तीन प्रोडक्ट हमारे पास आ चुकी हैं, और इन तीनों को हम इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो जगह है ना फीचर इमेज, ये आपकी फ्रंट इमेज होती है। इसके अंदर ना हमने एक इमेज डालनी होती है, जो वेबसाइट जिस तरह प्रोडक्ट की जो मेन इमेज, अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी मेन इमेज जो है ये वाली, तो ये फ्रंट पे दिखेगी, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम इसकी प्राइस डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 2500 का बेच रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मैंने इसको 2500 रुपये लिख दिया, और ये मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 या 2000 की पड़ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ। तो जितने का पड़ता है हम उतने यहाँ लिखते हैं, और जिसका हम बेच रहे हैं हम यहाँ लिखते हैं, मतलब कॉस्ट में हम इसकी कीमत जो हम जिस पे हम ले रहे हैं, और प्राइस में हम जिस पे हम इसको बेच रहे हैं। तो ये आपको ऊपर मुनाफा 500 रुपये का नज़र आएगा। अच्छा, ये बारकोड का जो सीन है ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो SKU है इसको भी आप ना छेड़ें, ये ऑटोमेटिक होता है, ये खुद ही जनरेट होता है। अच्छा, अब आपके पास जो तादाद होती है ना ये प्रोडक्ट्स, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट ही कितनी पड़े हुए, मतलब मेरे पास अभी वेयर हाउस इस पर टिक करना होता है, तो यहाँ बताने पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 50 पीस पड़े हुए, मैंने 50 लिख दिया। और अगर आप चाहें तो इसका आप यहाँ पे वज़न भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें इसकी लेंथ लिख सकते हैं, चाहे इसको वाइड लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, जैसा आप चाहें। अच्छा, यहाँ पर आप इसमें वारंटी या मतलब इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जो कि करते नहीं हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारे लिए जो ज़रूरी होता है वो प्राइस होती है, और हमारे पास जो है प्राइस के अलावा हमारे पास डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होती है, और प्रोडक्ट का नाम ज़रूरी होता है, उसकी तस्वीरें, ये चार चीज़ें मोस्टली हम लोग डालते हैं, समझ रहे हो।
तो ये भाई अगर ये चार चीज़ें हम डालते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स में आप ऐड कर सकते हैं कलर, साइज़। मिसाल के तौर पर मेरे पास कलर है इसका, मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया और कलर मैंने इसका डाल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन है ये जो भी है, ब्राउन कर दिया मैंने इसको और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं जिसके, अरे यार सेव ही नहीं किया था मैंने, जो कि गलती हो गई। देखो कभी कभार बंदा गलती कर जाता है, आपको रिकॉर्ड बार बार सेव करना होता है। अरे बार बार एरर क्यों दे रहा है इसमें, आप जो कुछ भी करेंगे ना वो बार बार आपको सेव का बटन दबाना पड़ता है। यार ये प्रोडक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं, सॉरी यार निलंबा हो गया। देखो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अभी देखो ये मैंने डाल दिया, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड यहाँ पर रहे। अब देखो ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब देखो ये ब्राउन भी है, कलर इसका ब्राउन है, ठीक है, और ये अब इसकी आईडी है, और कोई इसकी प्राइस में चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा मज़ीद इसमें आप कोई वेरिएशन डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कलर आप दूसरा कलर भी डाल सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ ऐड हो जाएगा, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। देखो ये वेरिएशन हम एडिट कर सकते हैं, ये हमने ब्राउन कलर का चूज़ किया है और इसकी हमने प्राइस जो है, कोई भी कलर हो भाई 2,500 रुपये का हम बेचेंगे, सही है, और कॉस्ट वही है हमारे पास 2,000 पर डी फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम इसको हम सेव कर लेते हैं। मसलन ये जो ब्राउन कलर का है ना, ये हम इतने का ही बेच रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ, कभी कभार ऐसा होता है कि कलर की वजह से प्राइस आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे उसको वेरिएंट में ऐड करते हैं, इसकी वजह से हम फिर प्राइस जो है हम चेंज कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर मतलब यही चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। मसलन इस पर हम लेबल भी लगा सकते हैं, नया नया आइटम का लेबल लगा सकते हैं इस पर। अगर हम इसको सेल पे बेचने, सेल लगाई भी है तो हम सेल लगा सकते हैं, ये हॉट आइटम है ज़्यादा सेल हो रहा है तो ये न्यू आइटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल नया हमने ऐड किया। यहाँ पे हम टैग लगा सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर टैग लगा सकते हैं, गिफ्ट लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, गिफ्ट का टैग लगा दिया, समझ रहे हैं आप। ये टैग दूसरा टैग लगाने के लिए हमें कोमा डालना है। देखो ये कोमा आप डालेंगे तो ये खुद ही इस तरीके से हो जाएगा, या इंटर दबाएंगे तो ये टैग बन जाएगा, तो इसको हमने गिफ्ट का टैग लगा दिया। तो आप टैग लगाना चाहें तो टैग लगा सकते हैं। अच्छा ये ब्रांड्स होते हैं हमारे पास फैशन लाइव, ये हमने ब्रांड्स ऐड करने होते हैं, तो ये प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका है। और प्रोडक्ट के अंदर ये मेन्यू जो कैटेगरीज होती है ना, कैटेगरीज ये हम बनाते हैं पहले से अलग से, इसके ऊपर हम एक अलग सा वो वीडियो बनाएंगे कि कैटेगरीज कैसे बनेगी और ये कैसे काम करती है। और प्रोडक्ट्स के लिए कैटेगरीज का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैटेगरीज के अंदर आप प्रोडक्ट फिर ऐड करते हैं। अच्छा आपको ये प्रोडक्ट जो हमने अब पब्लिश कर लिया है, इसको हम देख सकते हैं इस लिंक के ऊपर, आप देख सकते हैं वेबसाइट के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है। इसका नाम हमने काफ़ी लंबा रखा था और ये इसकी तस्वीरें आ रही है जो हमने इसमें डाली थी, यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, यहाँ पे इसकी कीमत आ रही है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है कि भाई ये डिटेल इसकी आ रही है, मतलब मैजिक लाइट जो भी है। इसके अलावा बस ये आपको प्रोडक्ट, अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो ये आपको आपकी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है और इसकी कीमत नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से यहाँ से जो भी बंदा इसको क्लिक करेगा तो ये इस तरह के से आपके पास खुल जाएगा, और वो कोई भी इसको परचेज़ करना चाहे तो यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेता है या बाय नाउ करेगा तो बाय कर सकता है। बाय करने के लिए अपनी डिटेल्स वगैरह देता है और ये सारी चीज़ें, और चेकआउट मारता है, फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, जो कि बस समझाने के लिए कि ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, इस तरीके से आपने मज़ीद प्रोडक्ट्स में ऐड करने हैं।